इंडिया के स्टार पहलवान गीता और बबीता फोगाट की कजिन बहन रितिका फोगाट ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया है। जी हाँ, अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के गीता बबीता का पूरा परिवार बेहद दुखी है। कहा जा रहा है कि वह राजस्थान के भरतपुर में हुए कुश्ती टूर्नामेंट का फाइनल मैच हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट और गीता बबीता के मायके बलाली गांव में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुने जिले के जैतपुर में किया गया। एक रिपोर्ट्स के अनुसार रितिका ने 12 मार्च से 14 मार्च के बीच राजस्थान के भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में स्टेट लेवल सब जूनियर, जूनियर महिलाओं और पुरुषों की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था। 14 मार्च को खेले गए फाइनल में रितिका एक पॉइंट से हार गई थी। बताया जा रहा है कि इस मुकाबले के दौरान वहां महावीर फोगाट भी मौजूद थे। हार के बाद रितिका सदमे में चली गई थी और अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। गीता और बबीता फोगाट ने ट्विटर के जरिए अपना दुख जनता के सामने पेश किया है। गीता ने लिखा है कि भगवान मेरी छोटी बहन, मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हर खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा जीत और हार दोनों होता है, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए।